सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि रोबो 2.0 अक्षय कुमार और रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई एक इंटरेस्टिंग नई मूवी है और इस मूवी को बनाने के लिए करोड़ों रुपये लगा है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी इंडियन टेलीकॉम कंपनियाँ चाहती है कि ये मूवी इंडिया के अंदर बैन हो जाए, क्योंकि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो COI सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक राजन मित्तूस हैं, इनका कहना है कि ऐसी मूवी में दिखाए गए सीन कुछ हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अपमानजनक है। जैसे कि अगर आपने रोबोट 2.0 का ट्रेलर देखा है तो उसमें आपको सेलफोन टावर या फिर मोबाइल फोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि उनका मानना है कि पूरी तरह से हमारे लिए अपमानजनक है। इससे हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरी तरह से अपमान होता है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें इससे इसका काफ़ी हद तक नुकसान हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि सेलफोन टावर से निकलने वाला रेडिएशन से मानव पक्षी पर्यावरण पर गलत इफेक्ट पड़ता है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मूवी के अंदर बताई गई है, जिस वजह से COI राजन मित्तूस ने स्पेशली लेटर लिखा है CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के लिए, ताकि वो ऐसी मूवी को रिलीज होने से या फिर रिलीज होने के बाद में भी किसी भी तरह से कंडीशन में ऐसे सीन मूवी से हटा दें, ताकि मूवी में जो लोग देखें तो ऐसे सीन देखकर उनके ऊपर गलत इफेक्ट ना पड़े। हो सकता है कि लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दे, या फिर हो सकता है कि लोग आसपास के जो सेलफोन टावर है वर्किंग कंडीशन में उनको बंद करवा दे, या फिर आपको पता होना चाहिए कि 2019 या 18 के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेलफोन टावर इंडिया के अंदर लगने वाले हैं 4G और 5G के लिए। तो ऐसी कंडीशन में टेलीकॉम इंडस्ट्री को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इस वजह से कंपनियाँ चाहती हैं कि ऐसी मूवी इंडिया के अंदर बैन हो जाए या फिर स्पेशली ऐसे सीन इस मूवी से डिलीट हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें रेडिएशन से भी डर लगता है, हमें टावर भी अपने आसपास में नहीं चाहिए और हमें नेटवर्क भी अच्छा खासा चाहिए अपने टेलीकॉम ऑपरेटर का। तो इस कंडीशन में आप सभी को पता है कि अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में गलत चली जाएगी तो हो सकता है कि आपके आसपास का जो सेलफोन टावर है उसकी वर्किंग कंडीशन में ही कुछ लोग उसे बंद करवा दें। हालांकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ कि सेलफोन टावर से निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक होता है या फिर किस तरह से इफेक्ट कर सकता है आप पे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसको। और इस वीडियो में जो आपको बताया है मैंने, कुछ ऐसा उनका मानना है कि हो सकता है कि लोग सेलफोन टावर आसपास में लगवाना छोड़ दे और मोबाइल यूज करना छोड़ दे, ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। पर जितना मेरा जानना है, जितना मैं मानता हूं कि सिगरेट की डब्बी पर भी लिखा आता है कि नो स्मोकिंग, इससे कैंसर होता है, तो लोग तो फिर भी मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल की एक ऐसी लत है जो बहुत कम चांस है कि वो छोड़ सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, जय हिंद।